नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी के रिमांड में हैं। उनकी पार्टी कह रही है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जेल से गैंग चलते हैं, सरकार नहीं। इस बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सामने आई है, उन्होंने इमोशनल बयान दिया है, वो भी बिल्कुल केजरीवाल के अंदाज में। केजरीवाल के बाद कौन? इस सवाल का जवाब सुनीता केजरीवाल के अंदाज से मिल सकता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला है। शनिवार को एक वीडियो जारी करके सुनीता ने दिल्ली और देश की जनता को संबोधित किया, वो भी बिल्कुल केजरीवाल के अंदाज में। सुनीता केजरीवाल के वीडियो जारी करने का बैकग्राउंड देखिए, वही कुर्सी जिस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। कुर्सी के ऊपर एक तरफ शहीद भगत सिंह की तस्वीर, दूसरी तरफ संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और उसके इर्द गिर्द तिरंगा झंडा। सुनीता केजरीवाल ने वीडियो संदेश में क्या कहा, इसको जानने से पहले सुनीता केजरीवाल के बारे में जान लीजिए। सुनीता केजरीवाल 1993 बैच की भारतीय राजस्व सेवा की अफसर यानी की IRS है। केजरीवाल भी IRS थे। मैसूरी में सुनीता और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पढ़ाई करते थे। 1995 में दोनों ने शादी की। सुनीता केजरीवाल आयकर आयुक्त रही हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल 2006 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉइंट कमिश्नर। 2006 में अरविंद केजरीवाल ने नौकरी छोड़ दी, जबकि सुनीता केजरीवाल ने 2016 में VRS लिया है। 2005 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन से सामाजिक जीवन में आने वाले अरविंद केजरीवाल अब करप्शन के केस में ही गिरफ्तार हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हमलावर है। 2012 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन से उभरे अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर क्या भ्रष्टाचार केस की भेंट चढ़ जाएगा, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन केजरीवाल की पत्नी और उनकी पार्टी चट्टान की तरह उनके साथ हैं। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने वीडियो संदेश में कहा है, मैं अरविंद केजरीवाल की धर्म पत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। इसके बाद उन्होंने केजरीवाल का संदेश पढ़ा। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं, इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे, जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर वन देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, यही मेरी ताकत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हर किसी के मन में सवाल यही है कि अब सरकार की बागडोर कौन संभालेगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सीएम केजरीवाल ही कामकाज देखेंगे, वो जेल से ही सरकार चलाएंगे।
लेकिन जेल मैनुअल के नियमों के मुताबिक ऐसा आसान नहीं दिखता। सरकार चलाने के लिए बार बार मीटिंग करनी पड़ती है, जबकि जेल नियमों के मुताबिक उनके परिवार का कोई सदस्य ही उनसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार मिल सकता है। जेल मैनुअल के मुताबिक केजरीवाल को जेल में कोई फोन, मोबाइल या दूसरी सुविधा तो मिलने से रही, क्योंकि जेल के नियम सबके लिए एक जैसे हैं, कोई आम हो या खास। केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में हैं। शराब घोटाले के केस में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की रिमांड लगातार बढ़ रही है। इन दोनों की जमानत के लिए केजरीवाल की पार्टी ने कोर्ट में वकीलों की लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर दी, लेकिन ईडी की दलीलों के आगे सिसोदिया और संजय सिंह को अभी तक जमानत नहीं मिली है। ऐसे में केजरीवाल की रिमांड आगे बढ़ती रहे और उन्हें जमानत ना मिले, इसकी संभावना भी बनी हुई है। अगर ऐसा होता है तो संभव है कि कुछ दिन तो केजरीवाल जेल से सरकार का कामकाज चला लें, लेकिन अगर केजरीवाल की रिमांड लंबी खिंचती है तो जेल से सरकार चलाना मुश्किल होगा। ऐसे में क्या केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता को बड़ी भूमिका दे सकते हैं? सुनीता केजरीवाल वीडियो संदेश में जिस तरह भावुक नजर आई और जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, उनमें सुनीता की राजनीतिक संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी, वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊंगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। और सुनीता केजरीवाल जी का मैंने बयान सुना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आदरणीय सुनीता जी, आप कहाँ थी जब आपके बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद भी दूसरी पार्टियों से हाथ मिला रहे थे अरविंद केजरीवाल? आप कहाँ थी जब गाड़ी नहीं लेने, बंगला नहीं लेने के कहने के बाद भी राजमहल बना रहे थे? आदरणीय सुनीता जी, आप उसी घर में प्रवेश कर रही थी जहाँ बंडल के बंडल नोट आ रहे थे। आप एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती ना तो दिल्ली की जनता आपको धन्यवाद देती, मगर अब न तो आपसे और न तो अरविंद केजरीवाल से किसी से दिल्ली की जनता का कोई सहानुभूति नहीं है। सुनीता केजरीवाल फिलहाल हाउसवाइफ हैं, IRS से VRS ले चुकी हैं, लेकिन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव करियर में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। अगर उन्हें चाहे अनचाहे आम आदमी पार्टी के सामने आई सियासी चुनौती का सामना करने की जिम्मेदारी मिलती है तो यह उनकी दूसरी पारी का इम्तिहान होगा। वैसे भी अपने देश में पत्नियों को राजनीतिक विरासत सौंपने का लंबा इतिहास है। केजरीवाल को लेकर चल रही सियासी हलचल का अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।